अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रोजगार सहायक जो कि सचिव के प्रभार पर है, उसके द्वारा आवेदक को सूचना का अधिकार लगाने पर जान से मरवाने की धमकी दिलवाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, नीलेश द्विवेदी पिता श्यामलाल द्विवेदी ग्राम पंचायत पथराहा नंबर 2 दूधा टोला के द्वारा रोजगार सहायक जितेंद्रजीत पांडे, जो कि सचिव के प्रभार पर भी हैं, इनके खिलाफ गबन को लेकर सूचना का अधिकार 1 महीने पहले लगाया गया था। जब पंचायत से जानकारी नहीं मिली तो नीलेश ने मौगन सीईओ से अपील कर जानकारी मांगी व शिकायत पत्र भी लिखा। इसके बाद जितेंद्रजीत पांडे ने आक्रोश में आकर कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इसको लेकर अपने चचेरे भाई अंबुज पांडे से नीलेश के चचेरे भाई अतुल द्विवेदी को फोन पर नीलेश को जान से मारने की धमकी दिलवाई, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया गया है कि मोबाइल पर धमकी दी गई है, जिसके बाद आवेदक नीलेश ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को व्हाट्सएप सोशल साइट्स पर लिखित में की है। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या बताया। सीएम कहीं कहा भैया पहाड़े का सना हो जाए तो भैया पहाड़े को लहासों मिल गई, हमको लहासों न मिली। नीलेश का हम 50 साल करे जानी थे, नीलेश करे रहा तो नीलेश कर तो तुम न कहा कुछ, पर तो हम तुमको अपन मान के तुम्हारे भैया कहला कि भैया तू अपने शांति कहला बस, बाकी तू और कहो को गाँव वाले का न कहा कि तू शांति रहा कि कार तू और उनका कहा क्या शिकायत करा बाहर ही तो अपने घरे वाले में शांति कहला तो हमसे बाकी तो फर्क कह लेगा। कई से शिकायत नीलेश आ गए निलेश करे हैं करीब 10 शिकायत कराई दे उनका उनका भाई कराई दे उनका हम 25 इकट्ठा ही रेल अब जहिया रेल अब तो सगली शिकायत समिटी यहीं पे देखा जीवन का वो शिकायत करे योग्य रही न जाए लेकर आए हैं। सर ये ग्राम पंचायत पथार नंबर 2 मऊगंज की है, यहाँ पर मैंने अपनी निजी भूमि आंगनबाड़ी बनाने के लिए दिया था, लेकिन सारा पैसा उसका निकाल लिया गया और मूल्यांकन करा दिया गया, लेकिन भवन अभी तक नहीं बना। जब मैंने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में RTI से किया, जनपद में किया, अब मुझे जान से मारने की धमकी उसके भतीजे द्वारा भाई द्वारा दी जा रही है। मैंने इसकी शिकायत SP साहब से भी किया है, ठीक, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किनके द्वारा प्रताड़ित किया? रोजगार सहायक वित्तीय प्रभार पर हैं धर्मेंद्रजीत पांडे। इनके पास क्या लेके गए थे आप? मैंने RTI लगाया था इनके पास कि मुझे जानकारी दीजिए कि आपने पंचायत में कितना पैसा आया, कितना खर्च किए, ठीक। नेट पर हमारे रोजगार उसके पंचायत की वेबसाइट पर दिख रहा है, गुड्डा नदी का पैसा निकाले, सड़क का पैसा निकाले, लेकिन यहाँ काम बिल्कुल नहीं हुआ, काम चला ही नहीं और पैसा निकल गया। RTI से उन्होंने जानकारी नहीं दी। CO साहब के पास मैंने RTI लगाई, उन्होंने भी नहीं दिया। लिखित में शिकायत किया, कलेक्टर साहब के पास किया, जिला CO के पास किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या करेंगे? अब शिकायत नहीं हो रही आपकी? बस यही कि आप लोग हैं निष्पक्ष रूप से चलाएं और संबंधित अधिकारी से आप जवाब उसका आप नीलेश द्विवेदी।